हेलो हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जामपुर स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद नमस्ते कैसे हैं आप लोग तो भाई सभी बताइए कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल मैम दर्शन दीजिए लो दर्शन कर लो आप सबसे पहले हैं चढ़ाओ प्रसाद वगैरह क्या लेके आयो फूल वूल मतलब तुम भी कैसे बालक तुमने तीन चार दिन से बिल्कुल हड़कम मजा के रखा हर जगह पे हाय मैम क्लास नहीं हो रही हाय मैम क्लास नहीं हो रही मैडम कहाँ चली गई तो लो आ गई मैडम ठीक है और अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी ठीक है भैया अब हम कहीं ना जाएंगे अब हम पूरा घूम घूम चुके हैं बढ़िया से अब हम बढ़िया से शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जाने से पहले हम लोगों ने एक शानदार शुरुआत की थी आप सभी जानते हैं आपका भारत बैच का आगाज हम लोग कर चुके थे 45 डेज क्रैश कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो भाई आप इसके बारे में बताएं अपने भाई बंधु दोस्तों को सभी को जिससे कि सही बच्चे यहाँ से तैयारी करें और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी ऋषि केस में हूँ तो मैं इस जैकेट को उतार देती हूँ है ना क्योंकि मुझे बाहर ठंड लग रही थी इसलिए तो हम अपनी यूनिफॉर्म में आ जाते हैं आपके सामने बिल्कुल चलिए तो देखिएगा भाई बिल्कुल शानदार तरीके से स्वागत है आप सभी का तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे और डेली हम एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करेंगे ठीक है तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक किया था यह आप बताएंगे और आज हम कौन सा करने वाले आज हम करने वाले यहाँ पर फुल फॉर्म्स वाला टॉपिक तो जो भी आपके फुल फॉर्म्स है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपके एग्जाम में आती है देखो हर बार आती है डेफिनेटली आती है एयरफोर्स में तो आती ही आती हैं बाकी सभी एग्जाम में आती है और कहीं से भी कोई भी फुल फॉर्म वो आपसे पूछ लेता है ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेगा कहीं से भी आ सकती है वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ सकती है कोई जो स्कीम होती है आपकी उसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है फुल फॉर्म में मान लो कोई आपका करंट इश्यू है न्यूज़ में है वो भी आपसे पूछ सकता है तो बेसिकली आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए है ना और भाई आपको आपका टॉपिक जो है आपका पूरा क्लियर होना चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में उन्हीं चीज़ों को करेंगे ठीक है बच्चे तो बढ़िया से टेम्पल गए थे लास्ट क्लास में है ना मैथ्स की क्लास होगी बेटा मैम आप घूमती वो तो और मैं क्या करूं अब घूम लेते हैं थोड़ा बहुत जिंदगी एक ही बार मिलती है थोड़ा घूम भी लेना चाहिए है ना है ना अब यहीं पे पढ़ा पढ़ा के तुम्हें दिखा दिखा के मैं थक गई थी मैंने सोचा क्यों ना एक राउंड मारा जाए थोड़ा सा घूमाए ठीक है भाई तो देखो कितना सुंदर सा भारत लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे जय हिंद मैम फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से टेम्पल हुए थे लास्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग टेम्पल अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं और आप सभी के लिए ये जो ऑफर है आपका फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट वाला ये भी आपका सिर्फ आज के लिए वैलिड है ठीक है फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट उसके बाद जो है आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो आप सभी बच्चे आपका चाहे आपका रैंकर थ्री पॉइंट जीरो है या फिर आपका एयरफोर्स नेवी के लिए केसरी के बैच है तो सभी बैचेस में आप लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई इस कोर्ड को अप्लाई कर सकते हैं भारत 45 कोड इससे आपको मिलेगा 45 परसेंट डिस्काउंट और आप लोग इजीली जो है हमारे पेड बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए ठीक है भाई पूरी टीम गई थी निमीश जी निमीश कुछ कुशवाहा जी पूरी टीम गई थी भैया ठीक है तो आप लोग जो है शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं और इस ऑफर का जो लाभ है वो जरूर उठाइए इसके साथ साथ आप लोग एसएससी हो गया आपका या फिर हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसान बैच है आप सभी के लिए हरियाणा सीई के लिए और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज कोर्सेज है परचम हो गया आपका तो आप सभी में सेम कोड अप्लाई करके 45 का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर कोई भी आपका छोटा बड़ा भाई बहन तो आप उसको उसको जो है जरूर बताइएगा काफी जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा अब हम करते हैं सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा है आपसे बताइएगा वट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुलटीएम बच्चा आपको ये बताना है कि एटीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है उत्तर दीजिए ठीक है तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर वॉट इज दीजिए कि ATM की जो है है आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? सभी का आंसर आएगा और सभी बच्चे आंसर देंगे बढ़िया से आंसर देंगे ठीक है चलेगा देखिएगा ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ मनी तो आपको यह बताना है कि इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ठीक है भाई क्या होता है होता है है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गलत है आपके आप कह सकते हैं ऐसा क्योंकि तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें क्या होना चाहिए था आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होना चाहिए था क्या होना चाहिए था बच्चा ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है आपका होना चाहिए था ये क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लिखा है ऑटोमेटिक लेकिन मैटिक नहीं पे आएगा ठीक है तो ये आपका आप कह सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए इसे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका बच्चे आपका यहाँ पर आंसर आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या आंसर आएगा भाई आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा अब देखो ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड है तो आप सभी जानते हम क्या कराते हैं कहते हैं कि भाई एक काम करो एन करा दो तो वो एफ जो होता है आपका या फिर एन नहीं तो आर करा देना तो एन की फुल फॉर्म क्या होती है लिखेंगे आप लोग यहाँ पर एन ये आपके एग्जाम में आता है कि एन का मतलब क्या होता है नेशनल लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लिख लीजिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ठीक है बच्चा ये होता है आपका क्या भाई एन ई एफ टी आपको मालूम होना चाहिए आप लोग बैंकिंग के फील्ड में अगर कभी बैंक वगैरह गए कुछ काम किया है आपने सुना होगा एन ई -E एफ टी कराई जाती है ना एन ई एफ टी तो कहते हैं एन एफ टी नहीं तो आर टी जी एस करा देना तो वो आर टी जी एस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा क्या होता है आपका आप बताएंगे व्हाट इज मीन्ट बाय आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट वेरी नाइस जिसने भी लिखा यहाँ पर आरटीजीएस लिखेंगे आप लोग रियल टाइम रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ठीक है भाई ग्रोस सेटलमेंट ये क्या होती है आपकी आरटीजीएस होती है लिख लीजिएगा क्या होती है बच्चे आपकी आरटीजीएस होती है तो आरटीजीएस एनईएफटी दोनों की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना है चाहिए कि की, की कहानी। अरे के जी एफ में जी केजीएफ की खान में भेज दूंगी ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो बिट्टू कुमार जी ठीक है बच्चे सही बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे पूरा पूरा कोई फालतू तो बात पे ध्यान नहीं देगा अच्छा आपसे पूछता है बैंकिंग में ही एक टर्म आती है आप कहते हैं कि भाई पेमेंट कर दो ठीक है बच्चे तो आप कहते हैं मैम यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं क्या तो ये जो यूपीआई होता है इस यूपीआई का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है आपका यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस ये क्या मीनिंग होता है आपका बच्चे ये जो है आपका यूपीआई का मीनिंग होता है लिख लीजिएगा यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है जो यूनिवर्सल कह रहे हैं वो तुम्हें तुम, तुम बन जाओगे ठीक है गलत है आपका यूनिवर्सल जो भी बच्चा कह रहा है यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर आपका राइट right आंसर आएगा एक होता है आपका आई एम पी एस आपसे पूछता बताइएगा वट इज द फुलस तो आपको मालूम होना चाहिए कि आई एम पी एस क्या होता है तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताएं क्या हो जाएगा आपका आई एम पी एस वाह नहीं पता इमीडिएट पेमेंट सर्विस तुम बहुत ही नालायक टाइप बच्चे हो इमीडिएट इमीडिएट ये तीन प्रकार होते हैं आपके पेमेंट के इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आपका एक होता है आपका आर और एक होता है आपका एनई ठीक है भाई ये जो है आपके तीन आपके टाइप्स आ जाते हैं किसमें ट्रांसफर करने के लिए टू फंड द ट्रांसफर ऑनलाइन ठीक है ये तीन आपके वेज होते हैं लिख लीजिएगा ठीक है बच्चा तो मैंने आपको कितनी फुल फॉर्म्स बताई वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो एक एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पांच आपके जो है फुल फॉर्म उनको अच्छे से याद कर लिया है लिख लीजिएगा ठीक है बच्चे तो बढ़िया से आप लोग लिख लेंगे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है आपका सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे मिलकर के बढ़िया शानदार तरीके से शेयर जरूर कर देंगे भाई है है ना सभी जो है अच्छे से से बढ़िया शेयर जरूर कर दीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए देखेगा पूछा है आपसे कि जो एड्स होता है आपका एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइएगा तो आप सभी जानते हैं एड्स आपकी एक बीमारी होती है एक डिसीज होती है ठीक है भाई और आपसे पूछता है पेपर में बताइएगा एड्स किस वजह से हो जाता है तो एड्स जो होता है आपका एक वायरस होता है एच वायरस एच की वजह से होता है याद रखिएगा लेकिन सबसे पहले आपको एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है फिर यहाँ पर अगर उसका कॉज पूछेगा कारण क्या है तो आप क्या कहेंगे भाई एच वायरस होता है तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जो एच होता है आपका इसका मतलब क्या होता है तो लिखेंगे आप लोग ह्यूमन सी वायरस क्या करेंगे बच्चे लिख लेंगे आप लोग ह्यूमन लिखेगा ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो इम्यूनोसिय वायरस ये क्या होता है आपका इसका मतलब होता है लिख लीजिएगा किसका भाई एड्स किसकी वजह से होता है आपका एच आई की वजह से होता है और एड्स क्या होता है आपका एक्वार इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम क्या जाएगा आपका ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा इम्यून सिंड्रोम ये जो आएगा आपका राइट right आंसर आ जाएगा यहाँ पर इम्यूनो भी दे सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोनों आपका सही होगा अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि एक टेस्ट किया जाता है ये पता करने के लिए कि भाई एच वायरस आप पॉजिटिव है या फिर एच नहीं है आपके अंदर यानी कि आप एड्स से पीड़ित हैं या नहीं है इसके लिए क्या किया जाता है आपका एक टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट का नाम आपसे एग्जाम में पूछता है तो लिखेंगे आप लोग ई एल आई एस से हम कह देते हैं इसे लिशा कहते हैं याद रखेगा ये जो है आपका क्या होता है भाई आपका एक टेस्ट किया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको भाई क्या है आपको एड्स है या फिर नहीं है यानी कि एच का पता लगाने के लिए ये टेस्ट जो है आपका किया जाता है सबसे पहले तो सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे मिलके और मुझसे पूछो मत, दो दिन से क्लास नहीं दे रही थी आज तो ले रही हूँ नालायक बच्चे तो आज तो क्लास में पूरा पढ़ लो प्रॉपर तरीके से अभी बातों में लगे हुए हो तुम लोग तो इसका मतलब क्या होता है लिखेंगे आप लोग लिखेगा एंजाइम लिंक इम्यूनो ऐसे लिखेंगे आप लोग ई से आ जाएगा आपका एंजाइम एल से आ जाएगा आपका लिंक्ड लिखेंगे आप लोग इम्यूनो इम्यूनो सोरबेंट ऐसे ठीक है भाई ये क्या होता है आपका इसका मतलब होता है लिख लीजिएगा ठीक है तो इस टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है आपका उसे एड्स है या फिर नहीं है तो एड्स से रिलेटेड आपकी ये तीन फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है याद रखेंगे आप लोग हमारे शरीर के अंदर क्या होता है आपका डीएनए होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपसे पेपर में पूछता है कि बताइएगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है तो बच्चे आपको डीएनए का आरएनए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डीएनए तो इसमें आप क्या लिखेंगे डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये क्या होता है आपका ये होता है बच्चे आपका डीएनए और आरएनए क्या होता है आपका आरएनए होता है बच्चे आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका आरएनए याद रखेगा तो एड्स वायरस से होने वाली बीमारी इसका मतलब आपको पता चल गया क्यों होता है उस वायरस की फुल फॉर्म आपको पता चल गई और उसके लिए जो टेस्ट आप करेंगे उसका भी आपको मीनिंग पता चल चुका है आगे चलते हैं चलिएगा अगले क्वेश्चन पे पूछा आपसे बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक तो देखिएगा बच्चे पहले ही आपका ब्रिक था लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इट इज ब्रिक्स ठीक है भाई तो आपसे पूछेगा पेपर में बताइएगा ब्रिक्स का मीनिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि वट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स तो यहाँ पर ब्रिक ब्रिक लिखा brick का बताइएगा फिर हम किसका मीनिंग पढ़ेंगे पर ब्रिक्स ब्रिक्स का मीनिंग मीनिंग देखेंगे कि इज द ऑफ तो पहले जो ये समूह था आपका देशों का इसमें आपके चार ही देश आते थे ब्राजील बी से आता है आपका ब्राजील आर से आता है आपका रसिया आई से आता है इंडिया सी से आता है आपका चाइना बाद में जो है यहाँ पर एक और आपकी जो है कंट्री जोड़ी गई कौन सी कंट्री जोड़ी गई भाई आपकी आप सभी जानते हैं इसमें जो है आपका साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ऐसे क्या आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चे साउथ अफ्रीका तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और आपका साउथ अफ्रीका दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स किसकी फुल फॉर्म है ये आपकी ब्रिक्स की फुल फॉर्म है याद रखेगा बच्चे किसकी फुल फॉर्म है भाई आपके ब्रिक्स की फुल फॉर्म है अच्छे से आप लोग याद रखेंगे ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछता है बताइएगा जो आपका ब्रिक्स है ब्रिक्स का पहले ये बता देंगे आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ब्रिक्स के में जो है आपके पांच देश आते हैं आप मुझे सिर्फ हेडक्वाटर बता दीजिएगा और ब्रिक्स का गठन कब हुआ था ये बता दीजिएगा यानी कि ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी ये बता दीजिएगा ठीक तो है तो काफ़ी सही रहेगा अगर आप बता देंगे तो दो में जो है ब्रिक्स का आपका गठन हुआ अगर आपसे पूछे कभी कि हेडक्वाटर कहाँ पर है तो बताएंगे आप लोग कहाँ पर आपका हेडक्वार्टर सभी बच्चे आंसर दीजिएगा ऐसे ही आपसे पूछेगा सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है सार्क का मीनिंग क्या है बताइएगा तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन ऑफ या फिर फॉर रीजनल कॉरपोरेशन ये क्या होता है भाई आपका ये होता है आपका सार्क होता है लिख लीजिएगा ऐसे ही आपसे पूछेगा बताइएगा वट इज द ऑफ आसियान जो होता है आपका एस सेशन को शेयर कर दीजिए अच्छे अच्छे फॉर्म से एग्जाम में आती हैं हल्के मत लीजिए कि नहीं आती है ऐसे ही आपसे पूछेगा कि बताइएगा जब का आसियान देश है वो कौन कौन से देश आते हैं तो लिखेंगे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो ये किसकी फुल फॉर्म आ जाएगी आपकी ये आ जाएगी बच्चे आपकी यहाँ पर आसियान की फुल फॉर्म आ जाएगी किसकी आ जाएगी भैया आसियान की आ जाएगी लिख लीजिएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया समझ गए ना सभी आप लोग अच्छे से बताएंगे सभी बच्चे कि ईवीएम का क्या मतलब होता है वट इज द मीनिंग ऑफ ई वी ईवीएम का क्या मतलब है उत्तर दीजिएगा ठीक है सभी बताएंगे कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ठीक है भाई बताइएगा सभी से जो क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके ईवीएम से बताएंगे आप लोग सभी बच्चे फटाफट -फड़ से बताइएगा तो ईवीएम क्या होती है आपकी एक वोटिंग मशीन है तो वोटिंग मशीन तो सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे वोटिंग मशीन लिखा होगा वोटर मशीन लिखा होगा तो याद रखेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है तो सभी बच्चे याद रखेंगे ईवीएम होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है बच्चे आपकी ये आपकी होती भैया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है लिख लीजिएगा यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लिखेंगे आप लोग आपसे पूछेगा बताइएगा कब जो है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था उत्तर दीजिए तो सभी बच्चे याद रखेंगे इसे किसने बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था ईवीएम को 1989 में सबसे पहले इसे जो है आपका कमीशन किया गया याद रखिएगा आप लोग कब आपके 1989 में लेकिन सबसे पहले प्रयोग कब की गई थी 1982 में 82 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था कहाँ पर आपके केरला में कब किया गया था उन्नीस में केरल राज्य में आपके जो है इलेक्शन हुए थे वहां पर जो है इसका प्रयोग किया गया था जो आपके आ, जो वहां पर नॉर्थ पैरावर असेंबली आ, के इलेक्शन में प्रयोग किया गया था याद रखेगा ठीक है भाई और जब सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करेंगे इंट्रोड्यूस होने के बाद तो उन्नीस से 2001 के बीच में पूरे यानी कि पूरे इंडिया में जो है आपके ईवीएम का प्रयोग किया गया तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा ठीक है भाई पूछा है आपसे बताइएगा आई क्या होता है आपका

सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होता है आपका आई जल्दी से बताइए <coughs> अरे सभी की फुल फॉर्म कराऊंगे एक साथ में सब कुछ करा दू ये आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो आप इसे क्या कहेंगे भाई इंटरमीडिएट ठीक है भाई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है आपका आई आर बी एम क्या होता है भाई आपका आई आर बी एम होता है लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओ भी नहीं आएगा इसमें आपका तो so यहां पे आपका आंसर आ जाएगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर है आपका बिल्कुल सही है, है ना ये मीडिएटेड लिखा ये गलत है आपका भी बिल्कुल राइट right आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है आईबीएम क्या होता है जो मैंने आपको यहां पर आईबीएम लिखवाया अभी कि व्हाट इज द फुल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है लिख लीजिएगा क्या होता है बच्चे आपका इंटरनेशनल नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है आई की फुल फॉर्म होती है लिख लीजिएगा क्या होती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है नोट करेंगे आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा जब मैं बैंकिंग करा रही थी आपको तो एक चीज आपकी रह गई थी आपसे कहा जाता है कि बताइएगा आपकी ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है क्या पूछा जाता है बच्चे आपसे आपके बैंक का आईएफएससी कोड जो है आपका पूछा जाता है तो वो आईएफएससी कोड जो होता है आपका क्या होता है लिखेंगे आप लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है ये आपका इंडियन फाइनेंशियल लिख लीजिएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है लिख लीजिएगा क्या होता है भैया आपका ये होता है आपका आईएफएससी कोड लिख लेंगे बढ़िया से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आपका आईएफएससी कोड नोट कर लीजिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी एक होता है आपका पीएसएलवी सेशन को शेयर कर दीजिए हाँ एक काम करती हूँ ना यहाँ पे नाम लेने लग जाती हूँ है ना एक क्वेश्चन कराती हूँ और फिर नाम लेती हूं पूरी क्लास में पांच क्वेश्चन हो पाएंगे है ना बाकी खुद कर लेना हद्दी वाले को तुम देखेगा एक होता है आपका पीएसएलवी एक होता है आपका जीएसएल एक होता है आपका एस एल वी ठीक है भाई आपसे पूछता है बताइएगा इनके क्या क्या मतलब होते हैं क्या क्या आपके मीनिंग है तो पी एस एल वी क्या होता है ये बताएंगे आप लोग पोलराइज सोर्स लेजर वेविंग पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो यहां पर तो मुझे लगता है मोस्टली सभी बच्चों का राइट right आंसर आ जाएगा क्या जाएगा आपका आंसर भाई पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई आपका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा लिख लीजिएगा जीएसएल होता है आपका जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल लिखेंगे आप लोग जियो क्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ जाएगा आपका नोट कर लीजिएगा और अगर हम बात करेंगे यहां पर एस एल वी की ये होता है आपका एक सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है बच्चे आपका सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है लिख लीजिएगा क्या होता है बच्चे आपका सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है नोट करेंगे आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए बताइए यहां तक क्लियर है जल्दी से बता देंगे आप लोग यहां से क्लियर है यहां तक सारी चीजें तो बता दीजिए बताएंगे जल्दी से ठीक है एक होता है आपका आप सभी जानते जीपीआरएस है ना जीपीआरएस का प्रयोग किया जाता है तो यहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग जीपीआरएस क्या होता है आपका बताइए क्या आप जानते हैं व्हाट इज जीपीआरएस जो जीपीआरएस होता है कि भी क्या है इसका जीपीआरएस बताइए तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है लिख लीजिएगा क्या होती भाई आपकी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है लिख लीजिएगा एक होता है आपका जीपीएस ठीक है भाई कि आपकी जीपीएस लोकेशन क्या है आपका जीपीएस क्या है एग्जैक्ट जीपीएस मुझे बता दीजिए ठीक है तो मुझे क्या हो जाएगी मुझे आसानी हो जाएगी आपको ट्रैक करने में तो जीबीएस जीपीएस होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो लिखेंगे आप लोग जीपीएस लिख लीजिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नोट कर लेंगे आप लोग देखो मैं सारे के सारे साथ साथ लेके चल रही हूं तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी ठीक है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उपयोग गया हार्डवेयर तुम तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो जो पेपर में आएगा जो जरूरी है उसे याद रखो ठीक है चलिएगा ठीक है बच्चे और आप सभी के लिए भारत 45 कोड अभी सिर्फ आज के लिए वैलिड है तो जितना हो सकता है इस ऑफर का लाभ उठाइए लुफ्त उठाइए और बढ़िया से हमारे पेड बैच जैसे कि आपका रैंकर 3.0 या फिर आपका अगर हम बात करें यहाँ पर तुम्हारा आ, केसरी बैच है आप लोग जुड़ सकते हैं या फिर अन्य किसी भी बैच से किसी भी एग्जामपुर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ठीक है बच्चे आप लोग जुड़ सकते हैं बताइएगा यहाँ पर इसरो की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि नासा की फुल फॉर्म क्या है तो उत्तर दीजिएगा नासा की फुल फॉर्म क्या होती है ऐसे एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप कहते हैं एन डी आर एफ एन डी आर एफ की फुल फॉर्म बताइएगा एक होता है आपका डी आर डी ओ बताएंगे आप लोग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी आर डी ओ सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे एक होता है आपका ओ सी आर बताइएगा ये क्या होता है तो ये आपके सामने तीन से चार फुल फॉर्म है सभी के आंसर दीजिए इन सभी का आंसर आना चाहिए भैया जल्दी से और सेशन को शेयर कर दीजिए वेरी नाइस nice, जल्दी से <coughs> तो ये होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये आपको हिंदी में भी आसे देगा है ना बाकी में हिंदी में नहीं आता ठीक से मैंने ट्रांसलेट नहीं किया था नासा क्या है आपका नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे आप लोग नेशनल एरोनोटिक्स एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है आपका नासा नेशनल डिजास्टर जो है आपका रिजर्व फंड ये ये क्या जा, ये क्या फोर्स आ जाएगा आपका एन डी आर एफ होता है लिखिएगा आप लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये क्या आ जाएगा आपका भाई ये आ जाएगा आपका एन डी आर एफ डी आर डी ओ होता है आपका डेवलपमेंट डीआरडीओ आ जाएगा आपका

ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ये आपके एग्जाम में आती है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दी है तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे बच्चे लिख लेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है लिख लीजिएगा है ना मंटू जी बिल्कुल सही आंसर है आपका ए आंसर है ठीक है बिल्कुल राइट आंसर है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बच्चे डी आर डी ओ मैम हाँ बिल्कुल डी आर डी ओ देखो सेशन को शेयर कर दीजिए भैया ऐसे काम ना ही चलेगा ऐसे कई से काम चलेगा ये बताइए ठीक है तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी आंसर भी देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे और बताएंगे कि एन ए ई पी की क्या जो है आपकी फुल फॉर्म होती है बताइएगा बताएंगे सभी बच्चे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन ए ई पी नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है आपका या फिर क्या होता है सभी बताएंगे यहाँ पर सभी बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन जल्दी से बताइएगा कि एन जो है आपका क्या होता है नेशनल अथॉरिटी ऑन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सभी का आंसर आए है ना भाई मेरे पढ़ाई पे ध्यान दे ले है ना देखिए यहां पर आप याद रखेगा बढ़िया से यहां पे तो आपका आंसर आ जाएगा नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आ जाएगा ठीक है भाई ए आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका ए आंसर आ जाएगा बच्चे कह रहे हैं मैम सी आंसर आएगा नेशनल टाइमिक प्लानिंग गलत आंसर है ठीक है गलत है आपका यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस एक ये फुल फॉर्म भी होती है इसकी नेशनल ठीक है भाई ऐसे क्या आ जाएगा आपका असेसमेंट होते हैं ना आपके स्कूल में असेसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस ठीक है भाई ये भी आ जाएगा आप लोग क्या कह रहे हो ये भी आपके क्या होते इसके फुल फॉर्म होती है लिख लीजिएगा ठीक है भाई जबरदस्ती जबरदस्ती अरे सही है मेरे भाइयों सही है ठीक है दो अक्टूबर 1978 को लॉन्च किया गया था लो अब सही है दो अक्टूबर 1978 में लॉन्च किया गया था लिख लीजिएगा नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम और जो कह रहा है कि मैं गलत बता रही हूँ तो कोई बात नहीं मेरा गलत भी लिख लो है ना मेरा गलत भी सही है जो कह रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मेरा गलत भी लिख लीजिए क्योंकि मेरा गलत भी सही है, है ना सर तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे तो दो अक्टूबर उन्नीस को लॉन्च हुआ था लिख लीजिएगा एन ए ई -E पी तो दो होते हैं आपके एन ई पी एक तो ये बताया मैंने नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस और एक होता है आपका नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम तो लिख लेंगे आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से ठीक है भैया लिख लीजिए ठीक है लिख लेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया चाय है ना बच्चे नहीं हो तुम अच्छे ठीक है बहुत ही अच्छे ठीक है तो लिख लेना इसको सही बताया भाई तुम पता नहीं क्यों दुनिया में रहते हो अलग दुनिया में यहाँ पे बताओ कि डी का मतलब क्या होता है तो अभी अभी हमने बात की थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है आपकी डी की फुल फॉर्म होती है लेकिन पीछे जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में एजुकेशन के बारे में तो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं एन के बारे में ठीक है भाई एनसीआरटी एन सी आर टी के फुल फॉर्म क्या होते हैं ये भी बता दीजिएगा सभी आंसर देंगे यहां पर मंगल ठाकुर मंगल ठाकुर जी मंगलम मंगलम हो जाएगा पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है काइंडली फोकस ऑन योर स्टडी दरवाइज मंगलम मंगलम ठीक है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिएगा आप लोग ये आपका आंसर आएगा एनसीआरटी क्या आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या आ जाएगा आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिखेंगे आप लोग नेशनल काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ये आ जाएगी लिख लीजिएगा ठीक है बच्चे तो लिख लेंगे सभी बच्चे नोट कर लेंगे किसकी आ जाएगी आपकी एन सी आर टी की फुल फॉर्म होती है लिख लीजिएगा किसकी होती है बच्चे आपकी एनसीआर टी की आप सभी कहते हैं कि ओ एम आर सीट है ना भाई हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था मैडम जी ओ एम आर सीट भरने नहीं, नहीं आई हम गलत भर के आए हैं क्या हमारी चेकिंग होगी कि नहीं होगी तो बेटा तुम्हारी चेकिंग ना हो पाएगी क्योंकि जो ओ एम आर सीट होती है आपकी वो ऑप्टिकल उस पर मार्क रिकोगशन पे वर्क करती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑप्टिकल मार्क रिकोगशन लिख लीजिएगा ऑप्टिकल मार्क रिकोगशन आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी ओ एम आर की तो लिखेंगे आप लोग नोट करेंगे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है भाई क्या करेंगे आप लोग लिख लेंगे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ए आई सी टी क्या होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होती है आपकी क्या ए आई सी टी तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलिएगा देखिएगा वट इज द फुल पीपीपी कहते हैं कि हम हमें वोट दीजिए हम आपके जो शहर की सड़कें हैं उनका पीपीपीपी मॉडल पर विकास करेंगे पीपीपी मॉडल पर ये काम करेंगे वो काम करेंगे लेकिन आज तक लोगों को समझ न आया कि भाई पीपीपीपी मॉडल होता क्या है ठीक है भाई क्या होता है आपका पीपीपीपी मॉडल आपने सुना होगा बहुत जगह पर क्या होता है आपका ट्रिपल पी जो है आपका यूज किया जाता है बताएंगे आप लोग यहाँ पर पीपीपी का मीनिंग क्या होता है बताइएगा बताएंगे आप लोग यहाँ पर तो देखेगा यहाँ पर आपके दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आप बताइएगा क्या आ जाएगा पहला मीनिंग आपका क्या होता है पहला तो आपका एक मीनिंग होता है जिसे आप कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या कहते हैं आप लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं आपकी तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो आपने देखा पढ़ते ही आप लोग क्या दे देंगे यहाँ पर आंसर दे देंगे कि आपका ए आंसर आ जाएगा लेकिन याद रखिएगा एक होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है अब यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में क्या आंसर दिया हुआ है मतलब कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है याद रखेगा ठीक है जब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका जो है है ना मंगल ठाकुर जी मैं तुम्हें ऐसा भाई मत बोलो ये मत करो मैं तुम्हें ऐसा वो करूंगी ना कि ना तुम यहाँ पे भाई ना तुम बेटा ना तुम कुछ और सुनने लायक बचोगे ठीक है तो शांति से पढ़ लो ये जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है इसी में भलाई है तुम्हारी अरे वो मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दिया मजाक में सड़के पीपीपीपी मॉडल पे उसे सीरियस मत ले जाना कहीं अभी सर्च करने लग जाओ कौन सी सड़क ट्रिपल पी मॉडल पे बनी थी वो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको सिर्फ वो करने के लिए थोड़ा एंटरटेन कह सकते हो बोर ना हो आप लोग ये टॉपिक ऐसा है आपका ट्रेड वगैरह में यूज होता है आपका ये बेसिकली जब आपकी आ, मैं कैसे जो परचेजिंग पावर मैंने बताया यहाँ पर ठीक है और जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे फील्ड होते हैं जो आपका स्कूल कैटेगरी है वो भी आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आती है अगर हम बात करें यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच में क्या होता है ये आपका एक कोलाबरेशन आप कह सकते हैं है ना जो ये होता है इसमें <coughs> पब्लिक में क्या आ जाएगी आपकी गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट में क्या आ जाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी के मतलब पब्लिक आ, में आ जाएगा आपका आपकी सरकार और आपकी जो है प्राइवेट कंपनी के कोलाब्रेशन से जब कोई कार्य किया जाता है वो तो ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित होता है किस मॉडल पर होता है ट्रिपल पी मॉडल पर ठीक है याद रखिएगा

पिन होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर तो अगर आपसे पूछे कि बताइएगा व्हाट इज योर पोस्टल इंडेक्स नंबर तो आप बता देंगे ना क्या है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर तो बेसिकली इसमें सिक्स डिजिट कोड सिस्टम होता है जो हम लोग यूज करते हैं डिजिट का होता है आपका याद रखियेगा एक होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है भाई क्या होता है आपका एक होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपके पिन कोड आप कहते हैं आपके बैंक वगैरह में जो आपको पिन मिलता है उसे आप क्या कहते हैं उसे आप कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या कहते हैं बच्चे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं याद रखिएगा ठीक है बच्चे तो लिख लेंगे आप लोग बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से मैंने आपसे नहीं पूछा क्या है तुम्हारा यहाँ पे पिन नंबर मैं तुम्हारे लिए कोई यहाँ पे गिफ्ट नहीं भेजने वाली देखिएगा पीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है तो ये होता है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है सबसे ईजी फुल फॉर्म लगती है और बहुत ही खुश हो जाते हैं बच्चे ऐसे फुल फॉर्म देख के लिख लीजिएगा आप लोग क्या होता है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है लिख लेंगे आप लोग क्या जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें तो एक होता है आपका आई आर सी टी सी वट इज द फुलर सी टी सी ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आती है आपको पता भी होनी चाहिए तो लिख लीजिए लिख लीजिएगा आप लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिखेंगे आप लोग यहां पर इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ठीक है भाई लिख लीजिएगा ये क्या होती है बच्चे आपकी आई आर सी टी सी की फुल फॉर्म होती है ठीक है जहाँ से आप लोग क्या करते हैं अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह बुक करते हो एक होता है आपका एफडीआई कहते हैं कि भारत का एफ फ्लो कम हो गया ज्यादा हो गया किस देश के साथ कम रहा किसके साथ ज्यादा रहा ये आप लोग करंट न्यूज में सुनते हो देखो ये भी आपके करंट इश्यूज में रहती है ये भी आप लोग पढ़ लेते हैं किसमें भाई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है आपके न्यूज वगैरह में रहता है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वगैरह आपने पढ़ा होगा और एक होता है आपका यहाँ पर क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा है एफ डी आई एफ आपका क्या होता है बताइएगा बताएंगे ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है लिख लीजिएगा क्या होता है, बच्चे आपका? Foreign direct investment होता है होता है नोट करेंगे आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है चलिएगा देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला तो अगला क्वेश्चन है आपका आर एंड डी आपका क्या होता है बताइएगा तो बच्चे बताएंगे यहाँ पर वट इज द फुलर डी तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में से पूछते हैं कि भाई आपके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी तो जल्दी से बता दीजिएगा वट इज द आर एंड डी जल्दी से बताइए विद इन वन सेकेंड तो आप सभी लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या जाएगा यहाँ पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है आपका क्या होती है बच्चे आर एंड डी की फुल फॉर्म होती है नोट कीजिएगा क्या जाएगा भाई आपका आर एंड डी की फुल फॉर्म होती है लिख लेंगे आप लोग क्या आ जाएगी आर एंड डी की फुल फॉर्म आ जाएगी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रडार क्या होता है ठीक है भाई जो ये टेक्निक का यूज किया जाता है बहुत सारे चीजों में आपने पढ़ा होगा कि भाई आपका क्या यूज हुआ है रडार यूज होती है आपकी तो रडार एक्चुअली होती क्या रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग क्या होती है आपकी रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा क्या जाएगा बच्चे आपका Radio detecting and ranging जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा रडार में तो लिख लीजिएगा इज द राइट आंसर ठीक है भाई जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे मैं झुकेगा नहीं और मैं शेयर करेगा नहीं है ना ये भी लिख दो एक बार बताइएगा व्हाट इज द फुल तो देखो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो काफी सारी आपके कंप्यूटर के फुल फॉर्म बन जाते हैं जैसे कि यहां पर मैं लिखती हूँ लिखते जाइएगा आप लोग रैम होता होता है होता है रोम एक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर पिरोम पढ़ा होगा आपने पिरोम ठीक है भाई एक आपने पढ़ा होगा ई e पीरोम एक आपने पढ़ा होगा यहां पर जेपीजी फॉर्मेट ठीक है भाई कृपया आपने जो इमेज है जेपीजी फॉर्मेट में ठीक है अपलोड करें आप कहते पी में क्यों नहीं मांग रहा ये फिर कोई कहता भाई पी डी एफ देते इससे अच्छा ठीक है तो ये जो आपके वर्ड्स है ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है जो आपके यूज किए जाते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चे एक बार आंसर देने का कष्ट करेंगे क्या आंसर होगा देखेगा रेंडम एक्सेस मेमोरी होती है आपकी ठीक है भाई रैम क्या होता है आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है लिख लीजिएगा क्या जाएगा आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा लिख लीजिएगा रोम क्या होता है आप बता दीजिएगा कि फॉर्म ऑफ रोम सभी बच्चे आंसर देंगे यहां पर कि क्या होता है ठीक है ये -Z नहीं होता होता है आपका ठीक है भाई लिख लीजिएगा तो जल्दी से बताओ बच्चे कह रहे कि मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अरे जो ऑप्शन में गिवन है उसी का आंसर दोगे रोम भी बता दो रोम क्या होता है रेड ओनली मेमोरी ठीक है भाई तो यहां पर लिखेंगे आप लोग रेड ओनली मेमोरी ठीक है बच्चे इसी प्रकार से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इसी प्रकार से आपका पिरोम आ जाएगा पिरोम में क्या क्या होता है आपका? है आपका प्रोग्रामेबल ना क्या जाएगी आपकी प्रोग्रामेबल ठीक है रेड ओनली मेमोरी आ जाएगी तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे नोट कर लीजिएगा यहाँ पर पी का मतलब आ जाएगा प्रोग्रामेबल ठीक है बच्चे क्या लिखेंगे आप लोग प्रोग्रामेबल आ जाएगा नोट कर लीजिएगा ठीक है भाई प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी आ जाएगा अगर आपसे पेपर में पूछेगा बताइएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई प्रोम तो आप लोग क्या आंसर देंगे बताइए है है ना तो से आ जाएगा आपका ठीक भाई लिख लीजिएगा आप लोग प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी आ जाएगा इसी प्रकार से आपसे पूछेगा बताइएगा जेपीजी आपका क्या हो जाएगा तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो जेपीजी की फुल फॉर्म होती है वो क्या आ जाएगी आपकी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर ज्वाइंट फोटोग्राफिक ये सारे एग्जाम में आती हैं ठीक है लिख लो इनको एक्सपर्ट ग्रुप तो ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या आ जाएगी बच्चे आपके जॉइंट फोटोग्राफिक ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप आ जाएगा अगर आपसे जेपीजी पूछेगा कि जेपीजी का मतलब क्या है तो आप लोग क्या आंसर देंगे तो दोनों में आपका सेम ही आंसर होता है लिख लीजिएगा पीडीएफ क्या होते है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसे आप लोग पीडीएफ कहते हैं और यहां पर एक यहां Post. Post. क्लास डेली होती बेटा आपकी सुबह दस बजे है ना थोड़ी थोड़ी छुट्टी हो जाती कभी कभार तो अब नहीं होगी छुट्टी है ना बहुत घूम फिर पढ़ेंगे होते है आपका लिख लीजिएगा आप आप ही किया गया है ये क्या फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑफ तो आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए ठीक है क्योंकि आज आपका लास्ट डे है तो ऐसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते भाई बहन हो सकते हैं <coughs> ठीक है जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को अवेयर कीजिए इस बारे में कि आज आपका लास्ट डे है और क्या कर लिया जाए इस ऑफर का ज्यादा ज्यादा से जादा अभी जो है है आपका लाभ उठा लिया जाए ठीक भाई एक होता है आपका रो कहते हैं कि रो का एजेंट है क्या होती है रो कितने बच्चे रो का एजेंट बनना चाहते हैं ठीक है भाई तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर रो का मतलब क्या होता है तो रो जो है हमारी एक आ, आप कहेंगे खुफिया एजेंसी है भारत की जिसका नाम है रो रो है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं तो हमारे देश के जवानों की वजह से हम कभी भी इन लोगों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो कि, कि किसी को पता भी नहीं होता है कि यहाँ पे कोई बंदा आपके साथ में रोका एजेंट हो सकता है यानी कि अपनी पहचान तक छुपा के रखते हैं घर में भी नहीं बताना होता कि आप लोग काम क्या कर रहे हो कहा पे जाओगे कहाँ आपकी पोस्टिंग है सारी चीजें खुफिया रखी जाती है और जितनी भूमिका हमारे देश के जवानों की होती है ना उतनी ही भूमिका रो के एजेंट्स की भी होती है पता है तुम्हें उनकी भी होती है ठीक है तो ये जो है आपका एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिख लीजिएगा तो नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर रो ठीक है बच्चे तो रो में क्या होते हैं आपके एजेंट्स वगैरह होते हैं देखो हम पहचान हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन सा भी रो का एजेंट जो है आपका शहीद हो गया ये कोई जानता ही नहीं होता कहाँ पे गया था किस मिशन पे गया था अगर उसने अपनी जान भी गवा दी है तो हमें पता नहीं चलता घर वालों तक तो को पता नहीं चलता है कि कहाँ पे गया क्या हुआ तो रो के एजेंट भी होते हैं ठीक है भाई तो देखिएगा ये वही रो की बात की गई है आपसे तो अलग अलग देश की अलग अलग एजेंसी होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपने पढ़ा है आईबी जिसे आप कहते हैं उसी के तहत ये लोग काम करते हैं आरबीआई क्या होता है ये बताइएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा आरडीएक्स क्या होता है आत, आतंकी हमला हुआ और उसमें किसका प्रयोग किया गया है आपका आरडीएक्स का प्रयोग किया गया है फिर तुम कहते हो मैम पता है वहां पे ना आरडीएक्स अटैक हुआ था तो आरडीएक्स मिला है तो ये स बच्चा आपका होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि RDX का मीनिंग क्या है आप बताएंगे वट इज द मीनिंग ऑफ आर डी एक्स बताइए बताइए यहां पर वट इज द मीनिंग ऑफ आर डी एक्स सभी आंसर देंगे यहां पर ठीक है तो यहां पे आरडीएक्स का मीनिंग होता है बच्चे लिखेगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव ठीक है भाई तो क्या आंसर आएगा आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव आ जाएगा RDX होते हैं आपकी विस्फोटक होता है जिससे आपके आ, ये जो है आपके आ, धमाके वगैरह के जाते हैं आप सभी जानते हैं रॉयल एक्सप्लोसिव के नाम से जाना जाता है आरडीएक्स बेसिकली आपका यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो हो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा हेग्सोगन होता है बेसिकली आपका अगर साइंटिफिक लैंग्वेज जाओगे क्या होता है आपका हेगसो हेगोज

आपसे हर बार पूछा जाता है कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती बताइए एलयू एल यू की फुल फॉर्म क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है उत्तर दीजिए बताएंगे आप लोग क्या होती जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या होती है आपकी एक आता है आपका बी आई ओ एस एक आता है आपका एच टी टी पी ठीक है भाई एक आता है आपका डब्ल्यू 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 इनकी फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है ये हर बार आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ पर नहीं लिखी हुई है लेकिन आप लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है तो देखिएगा पर अगर हम बात करेंगे लॉजिक यूनिट होती है आपकी कोबोल क्या होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है आपकी क्या होती है बच्चे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज तो लिखेंगे आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कॉमन बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड ओरिएंटेड लैंग्वेज ये क्या होता है आपका कोबोल होता है यहाँ पर लिखेंगे आप लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या आ जाएगा आपका बच्चे ए एल यू आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या होता है आपका ये आपका जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं जिसे आप लोग सी पी यू आ जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मैं एक और बोल रही हूँ यहाँ पर मुझे याद करने दो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है आपका लिख लीजिएगा ठीक है भाई एक होता है आपका जिसे आप कहते हैं कि बताइएगा उसका जो है वेब एड्रेस जिसे आप कहते हैं पहले आप एस टी टी पी की क्या बताएंगे फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका क्या होता है बच्चे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है लिख लीजिएगा ये किसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एस टी टी पी की होती है और ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वर्ल्ड जो आपका वाइड डब्ल्यू ठीक है भाई तो ये क्या आ जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा लिख लीजिएगा <coughs> एक और होता है यूपीआई ठीक है भाई एक तो आपका यूपीआई होता है वो तो मैं आपको करा चुकी यूपीआई क्या होता है, है ना यूनिफाइड पेमेंट सर्विस होता है आपका एक और होता है आपका यूपीआई से लेकर के एक फुल फॉर्म आती है आपकी ठीक है चलो बेसिकली आपके ये जितने भी मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं सारी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इनको आप लोग क्या करोगे बच्चे अच्छे से लिख लीजिएगा ठीक है ये सारी के सारी आपके एग्जाम में आती है आपको पता होनी चाहिए नोट कर लीजिएगा आप लोग जो मैंने लिखवाई है आप मुझे ये बताइएगा जो कंप्यूटर होता है आपका है ना भाई कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है ये बताइएगा ठीक है भाई कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है ये बताएंगे यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइएगा साथ में एस सी बी की फुल फॉर्म क्या है यह आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करके भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ठीक है एक होता है आपका यहां पर डीवीडी तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है जो आप कहते हैं कि एलसीडी है तो वो एलसीडी क्या होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है आपकी लिख लेना इसको भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है आपकी ये जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी फुल फॉर्म है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा यूएसबी होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस मैं यू से याद कर रही थी याद नहीं आ रहा था यूनिवर्सल सीरियल बस होता है लिख लीजिएगा क्या होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है नोट करेंगे आप लोग ठीक है भाई ये क्या होता है आपका यूएसबी होता है एक लैन होता है एक वैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या होती है आपके लैन वैन होते हैं इनको भी आप लोग याद रखेंगे आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है याद रखेगा ठीक है भाई तो इन सभी को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा नोट कर लेंगे सारे के सारे आपके एग्जाम में आती है ठीक है यूएसबी भी आपके एग्जाम में आता है एम कितने एम की स्पीड है कितने के बी स्पीड है तो कल जो आपकी क्लास होगी वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होगी तो उसी में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी करा दूंगी तो आप लोग सभी चीज़ें याद रखेंगे अभी जो है आपका टाइम हो चुका है तो अभी हम चलते हैं आज के क्लास कैसी लगी ये बताइएगा तो एक पार्ट और आएगा इसका कल जैसे फुल फॉर्म और कल होगा कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे जैसे फादर ऑफ द कंप्यूटर फादर ऑफ आपका जो है अब मॉडर्न लैंग्वेज कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता तो वो हम कल करेंगे और कुछ आपके फुल फॉर्म्स रह गए उनको भी कर लेंगे साथ में ठीक है तो कल आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास होगी सो बच्चे जरूर आएगा आज का सेशन कैसा लगा बताएंगे अभिनव सिंह जी थैंक यू सो मच मैं आपकी बहन ही हूँ ठीक है इस न्यू बैच थैंक यू सो मच वेरी वेरी थैंक यू सो मच वेरी वेरी थैंक यू सो मच ठीक है रेस्ट इज रस्ट आराम हराम है रेस्ट नहीं लेना चाहिए मैंने बहुत रेस्ट ले लिया मैं कोई रेस्ट नहीं लेने वाली चलेगा तो मिलते हैं आपसे सब कुछ कराऊंगी पहली क्लास देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास उसमें सब कुछ समझाया था आपको तो चलिए मिलते हैं आपसे तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत